हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 8 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान का अध्याय 13 यानी प्रकाश से संबंधित है। आज का यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है। अगर हम किसी ऐसे कमरे में हों जहां पूर्ण रूप से अंधेरा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम कमरे में रखे वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। यदि कमरे के बाहर प्रकाश हो तो हम खिड़की से बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर कमरे के बाहर प्रकाश हो तो हम खिड़की से बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या दो। नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है, जिसमें हमें नियमित और विस्तृत परावर्तन में क्या अंतर है यह हमें स्पष्ट रूप से लिखना है। साथ ही साथ हमें यह भी बताना है कि क्या विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियम लागू नहीं होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, और सबसे पहले हम नियमित परावर्तन के बारे में लिखेंगे। चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन ऐसे पृष्ठ से हो जो चिकने हो, जैसे कि दर्पण इत्यादि, तो इस तरह से चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को ही नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समानांतर किरणें परावर्तित होने के पश्चात समानांतर ही रहती है। अगर किरण पुंज किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद ये सारे परावर्तित किरणें पहले जैसे समानांतर थी, अब भी ये समानांतर ही रहती है। इसी प्रकार अगर विस्तृत परावर्तन की बात की जाए, तो खुरदरे पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन अगर ऐसे सतह से हो जो खुरदरे पृष्ठ वाले हो, तो इस तरह के प्रकाश के परावर्तन को ही विस्तृत परावर्तन कहा जाता है। विस्तृत परावर्तन में सभी समानांतर किरणें परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं रहती। अगर किसी सतह से प्रकाश की परावर्तन हो और यह परावर्तन विस्तृत परावर्तन हो, यानी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन हो, तो परावर्तन के बाद जो किरणें होती है, परावर्तित किरणें, ये समानांतर नहीं रहती है। परावर्तन के नियम का पालन विस्तृत परावर्तन में भी होता है। परावर्तन के जो दो नियम हैं, ये नियम का पालन हर प्रकार के परावर्तन में होता है, चाहे वह नियमित परावर्तन हो या विस्तृत परावर्तन हो। विस्तृत परावर्तन में पृष्ठ खुरदरे रहने के कारण परावर्तित किरणें आपस में समानांतर नहीं रहती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न संख्या तीन। निम्न में से प्रत्येक स्थान के सामने लिखिए, यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इस प्रश्न में हमें कुछ स्थितियां दी जाएगी, इसमें हमें उसके सामने लिखना है कि इसमें नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा, और हमें अपना उत्तर का आधार भी बताना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या क्या स्थितियां दी गई है। प्रश्न में पहली स्थिति दी गई है, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। अगर प्रकाश की किरण पुंज पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज पर टकराए, तो इसमें जो परावर्तन होगा वह नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा, यह हमें लिखना है और उसका कारण भी बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे, नियमित परावर्तन होगा।
अगर प्रकाश की किरण पुंज पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज से टकराए तो इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होगा वह नियमित परावर्तन होगा। इसका कारण है कि मेज की सतह पॉलिश युक्त है, यानी पृष्ठ चिकना पृष्ठ है, इसीलिए नियमित परावर्तन होगा। अगली स्थिति है चॉक पाउडर, यानी प्रकाश की किरण पुंज अगर चॉक पाउडर पर आपतित हो तो इसमें परावर्तन जो होगा वह नियमित होगा या विसरित होगा। इसका उत्तर लिखेंगे विसरित परावर्तन होगा, क्योंकि इसकी सतह खुरदरी है। अगला है गत्ते का पृष्ठ, अगर प्रकाश की किरणें गत्ते की पृष्ठ पर आपतित हो तो इसमें विसरित परावर्तन होगा, क्योंकि इसकी सतह खुरदरी है। प्रश्न में आगे लिखा है संगमरमर के फर्श पर फैला जल, अगर प्रकाश की किरणें संगमरमर के फर्श पर फैले जल पर आपतित हो तो इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होगा वह नियमित परावर्तन होगा, क्योंकि संगमरमर के फर्श पर फैला जल चमकदार एवं चिकनी है। इसी प्रकार अगर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित हो तो इसमें प्रकाश का जो परावर्तन होगा वह नियमित परावर्तन होगा, क्योंकि दर्पण की सतह चमकदार तथा पॉलिश है। अगला है कागज का टुकड़ा, इसमें विसरित परावर्तन होगा, क्योंकि इसके सतह खुरदरी है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभ्यास का प्रश्न संख्या 4, परावर्तन के नियम बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। जब भी प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो प्रकाश की इस किरण का परावर्तन होता है। इसमें होता क्या है कि जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है यह आपस में बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर आकर टकराती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। इसमें आपतित किरण होती है, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब होता है और परावर्तित किरण होती है। प्रकाश के परावर्तन का जो द्वितीय नियम है यह बताता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब अगला है प्रश्न संख्या 5, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें एक क्रियाकलाप लिखना है जिससे यह पता चले कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। इस क्रियाकलाप में सबसे पहले दीवार पर एक समतल दर्पण को स्थिर करेंगे। अब फर्श पर दीवार के लंबवत एक रेखा खींचेंगे। चित्र में जैसा आप देख रहे हैं दो पतली पाइप को अभिलंब के साथ समान कोण बनाते हुए रखेंगे। अब जब हम किसी एक पाइप से प्रकाश की एक किरण को आपतन बिंदु पर आपतित कराएंगे तो प्रकाश का परावर्तन होगा और यह परावर्तित किरण दूसरे पाइप में से होकर निकल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है इसे हम आय द्वारा सूचित करते हैं और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे आर द्वारा सूचित कर रहे हैं। यहाँ पर I और R आपस में बराबर है। इस प्रयोग के द्वारा हम यह प्रमाणित करेंगे कि किस प्रकार आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब एक ही तल में होते हैं। क्रियाकलाप को अब हम ऐसे लिखेंगे, दीवार पर एक समतल दर्पण को स्थिर करेंगे। अब फर्श पर दीवार के लंबवत एक रेखा खींचेंगे। चित्र में दिखाए अनुसार दो पतली पाइप को अभिलंब के साथ समान कोण बनाते हुए रखेंगे। एक पाइप से प्रकाश की किरण को गुजारने पर परावर्तित किरण दूसरे पाइप से निकलती है।
यह प्रमाणित करता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो इस क्रियाकलाप में हमने क्या प्रमाणित किया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया गया है एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1.5 मीटर दूर दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हो तो यह व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितने मीटर दूर दिखाई देता है? इसका जवाब होगा 2 मीटर। यानी हम कह सकते हैं एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर दिखाई देता है। अगला है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने डैश कान को छुएं, तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान डैश हाथ से छुआ गया है। रिक्त स्थान को हमें सही शब्दों से भरना है। हम इसमें लिखेंगे, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बायां कान को छुएं, तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बायां हाथ से छुआ गया है। सी नंबर में लिखा है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज डैश हो जाता है। मंद प्रकाश में प्रकाश की तीव्रता कम होती है, इसीलिए हमारी नेत्र क्या करती है, पुतली की साइज को बढ़ा देती है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश की किरणें नेत्र के अंदर जाएं और वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकें। अतः हम कह सकते हैं, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। डी नंबर है, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या डैश होती है। जो रात्रि पक्षियां होती हैं, इसके नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या कम होती है। कारण क्या है कि रात्रि पक्षियां मंद प्रकाश में देखती है और मंद प्रकाश में देखने के लिए शलाका कोशिका की विशेष भूमिका होती है, इसलिए शलाका कोशिकाओं की संख्या की तुलना में शंकु कोशिका की संख्या कम होती है रात्रि पक्षियों के नेत्रों में। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 7 और 8 में सही विकल्प छांटिए। प्रश्न 7 में दिया गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन दिया गया है, सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में या कभी नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन का, सदैव। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 8 में लिखा है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है, आभासी, दर्पण के पीछे तथा आवर्धित। आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। वास्तविक, दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है, वास्तविक, दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वह प्रतिबिंब आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है और यह बिंब के साइज के बराबर बनता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ख। अगला है प्रश्न संख्या 9, क्लाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, क्लाइडोस्कोप एक बेलनाकार ट्यूब होती है जिसमें दर्पण की 3 आयताकार पट्टियां प्रिज्म की आकृति में लगा होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, क्लाइडोस्कोप एक बेलनाकार ट्यूब की आकृति की होती है। इसमें दर्पण की 3 आयताकार पट्टियां होती है और ये तीनों पट्टियां प्रिज्म की आकृति में लगे हुए होते हैं। इसके छिद्रयुक्त डिस्क से अंदर का दृश्य देखा जा सकता है। क्लाइडोस्कोप के एक सिरे पर छिद्रयुक्त डिस्क लगा हुआ होता है
और इस छिद्र से अंदर का दृश्य को देखा जा सकता है। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए लगा देते हैं। क्लाइडोस्कोप के दूसरे सिरे पर एक वृत्ताकार दर्पण का प्लेट लगा हुआ होता है, जो इन तीनों आयताकार दर्पण की पट्टियों को छूते हुए लगाया जाता है। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रख देते हैं, जिनकी बहु प्रतिबिंब दिखाई देती है। इस प्रकार क्लाइडोस्कोप की रचना कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में हमें मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाना है। सबसे पहले हम मानव नेत्र का चित्र बनाएंगे और इसके विभिन्न भागों को नामांकित करेंगे। हमारे नेत्र का सबसे अग्रभाग जो फूला हुआ प्रतीत होता है, इसे कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे परितारिका होती है, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। इन परितारिका के मध्य एक गोलाकार छिद्र होती है, जिससे पुतली कहा जाता है। इसी छिद्र से होते हुए प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करती है। पुतली के पीछे लेंस होता है, जो हमारे नेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जब प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र के लेंस से अपवर्तित होती है, तो यह प्रतिबिंब बनाती है रेटिना पर, जहां से हमें दृष्टि की अनुभूति होती है। इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से हमने मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाया है। अब अगला प्रश्न। गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 13.8 को करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं? इसका अब हम उत्तर लिखेंगे। लेजर टॉर्च का प्रकाश नेत्र की रेटिना को हानि पहुंचाता है। लेजर टॉर्च के जो प्रकाश है, यह हमारे नेत्र की रेटिना को काफी हानि पहुंचाता है। इसीलिए ऐसा कोई भी क्रियाकलाप हम नहीं करेंगे, जिसमें लेजर टॉर्च का प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में आपतित हो। इससे नेत्र संबंधी स्थायी समस्या आ सकती है। इसलिए अध्यापक ने लेजर टॉर्च के साथ इस क्रियाकलाप को करने से मना किया। प्रश्न संख्या 12 में लिखा है, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। उत्तर लिखेंगे, नेत्रों की देखभाल निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। पहला पॉइंट है, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। हमारे नेत्र काफी संवेदनशील अंग है, इसीलिए सूर्य या ऐसे ही कोई अधिक शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी हमें सीधे तौर पर नहीं देखना चाहिए। अगला पॉइंट है, नेत्रों में धूल कण गिरने पर स्वच्छ जल से धोना चाहिए। नेत्रों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। जब भी हमारे नेत्रों में धूल के कण इत्यादि गिर जाए, तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत हमें नेत्रों को ठंडे एवं स्वच्छ जल से धोना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में कभी भी नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नेत्र को काफी हानि होती है। अगला पॉइंट है, पठन सामग्री को सदैव दृष्टि के सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसलिए पठन सामग्री को हमें सदैव सामान्य दूरी पर रखकर ही पढ़ना चाहिए। बहुत नजदीक या बहुत ही अधिक दूरी पर रखकर पढ़ने से हमारे नेत्रों को दबाव पड़ती है। विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध, पालक, आम, गाजर इत्यादि पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा नेत्र स्वस्थ रहता है। बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश नेत्रों के लिए हानिकारक है। हमें उपयुक्त प्रकाश में ही पढ़ना चाहिए। नेत्र संबंधी किसी समस्या होने पर हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
अब देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 13। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया है उससे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं एक दर्पण की पृष्ठ दी गई है, इस पर प्रकाश की एक किरण आपतित होती है और फिर इसका परावर्तन होता है। प्रश्न में जैसा दिया गया है कि परावर्तित किरण और आपतित किरण के मध्य 90 डिग्री का कोण है, यानी इन दोनों के मध्य जो कोण है वह है 90 डिग्री। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि आपतन कोण का मान कितना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाला गया है। अब यह आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का जो कोण है इससे हम एक्स मान लेते हैं। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का जो कोण है ये भी एक्स ही होगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा, जैसा कि हम परावर्तन के नियम से जानते हैं। तो इसलिए अब हम समीकरण लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री, चूंकि दोनों कोण का जो योग है वह 90 डिग्री है जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है। इसलिए अब हम इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे 2x बराबर 90 और x बराबर 90 बटा 2 यानी 45 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपतन कोण है ये 45 डिग्री है और परावर्तन कोण भी इसी के बराबर यानी 45 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर 45 डिग्री। अब प्रश्न संख्या 14 है, यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि दो समतल दर्पण हैं। इन दोनों समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखा गया है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर और इन दोनों समतल दर्पण के मध्य एक मोमबत्ती है, तो हमें बताना है कि मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका उत्तर होगा अनंत। जब भी दो समतल दर्पण को आपस में समानांतर रखा जाता है और इनके मध्य कोई एक वस्तु हो तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत की संख्या में बनेगा। आप देखेंगे प्रश्न संख्या 15। दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र 13.19 में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं, यानी दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण है। प्रकाश की एक किरण प्रथम दर्पण पर आपतित होती है 30 डिग्री के आपतन कोण पर, तो हमें इसका परावर्तित किरण का चित्र बनाना है। तो जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि जो किरण आ रही है प्रथम दर्पण पर वह 30 डिग्री के आपतन कोण पर आ रही है, इसीलिए परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वह भी 30 डिग्री का ही होगा। चूंकि यह कोण जब 30 डिग्री का है तो यह कोण भी 30 डिग्री का ही होगा। अब हम क्या देखेंगे कि जो बिंदु पर यह परावर्तित किरण आपतित हो रही है वहां पर हम एक अभिलंब डालेंगे और फिर इसका जब परावर्तन होगा तो यह कोण भी 30 डिग्री के साथ कोण बनाएगी दर्पण के साथ। इस प्रकार हमने क्या किया कि परावर्तित किरण का एक आरेख खींचा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 16, इसमें लिखा है चित्र 13.20 में दर्शाए अनुसार बुझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है, क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह पी क्यू तथा आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? जैसा कि प्रश्न में बताया गया है
बूझो क्या करता है कि एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ दूरी पर हटकर एक बिंदु ए पर खड़ा होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पूछा गया है कि क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? आगे प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि क्या वह पी क्यू तथा आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? अब हमें आइए समझना है इस प्रश्न को और इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न में पूछा गया है कि बूझो क्या अपना प्रतिबिंब दर्पण में देख पाएगा? इसका जवाब होगा नहीं, बूझो अपना प्रतिबिंब दर्पण में नहीं देख पाएगा, क्योंकि उससे अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए उससे दर्पण के सामने खड़ा होना होगा। लेकिन वह बिंदु ए पर खड़ा है और बिंदु ए दर्पण से कुछ दूरी पर हटकर स्थित है। आगे पूछा गया है कि क्या बिंदु पी क्यू और आर पर रखी वस्तुओं को बूझो देख पाएगा दर्पण में उसका प्रतिबिंब? तो इसको समझने के लिए हम आरेख खींचेंगे। कोई वस्तु जो बिंदु पी पर है, बिंदु पी से जो प्रकाश की किरण आएगी दर्पण के पृष्ठ से टकराएगी और यह वापस बूझो के पास पहुंचेगी, यानी बूझो बिंदु पी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से देख सकता है। इसी प्रकार बिंदु क्यू से जो प्रकाश की किरण आपतित होगी यह परावर्तन के पश्चात बूझो तक पहुंचेगी, यानी बिंदु पी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बूझो आसानी से देख सकता है। परंतु यदि बिंदु R की बात की जाए तो बिंदु R पर रखी वस्तु से प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात बूझो तक नहीं पहुंच पाएगी, अर्थात बूझो बिंदु R पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में नहीं देख पाएगा। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, बूझो अपनी छवि खुद नहीं देख सकता क्योंकि वह दर्पण के सामने खड़ा नहीं है। बूझो पी और क्यू को देख पाएंगे क्योंकि पी और क्यू से परावर्तित किरण उसकी आंखों तक पहुंचेंगे। बूझो आर को नहीं देख सकता है क्योंकि आर से परावर्तित किरण उसकी आंखों तक नहीं पहुंचेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 17। इसमें लिखा है, ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है कि एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण के आगे एक बिंदु ए पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है। हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा और ये उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी यह वस्तु दर्पण से है, यानी दर्पण से ये जितनी दूरी आगे है इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। किस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा आप देख सकते हैं, इस स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रश्न में आगे पूछा गया है, क्या स्थिति बी से पहले प्रतिबिंब को देख सकती है? ए बिंदु पर जो वस्तु को रखा गया है, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या इस प्रतिबिंब को पहले बिंदु बी से देख सकती है? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें एक आरेख खींचना होगा। बिंदु ए में रखी वस्तु से प्रकाश की किरण आपतित होती है दर्पण के पृष्ठ पर और परावर्तन के पश्चात बिंदु बी यानी पहेली तक तो पहुंच जाती है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह हुआ कि बिंदु बी पर पहेली स्थित है और ये आसानी से ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब देख पा सकती है। इसी प्रकार इस प्रश्न में आगे पूछा गया है, क्या स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है? पुनः हम आरेख खींचेंगे। बिंदु ए पर रखी वस्तु से प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात बिंदु सी यानी बूझो तक पहुंचती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि बूझो बिंदु ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से देख सकता है। फिर आगे पूछा गया है, जब पहेली बी से सी पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है? क्योंकि ए का जो प्रतिबिंब है वह किसी निश्चित स्थान पर है और जब तक
बिंदु ए पर रखी वस्तु नहीं घिसकता है, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति भी नहीं घिसकेगी। यानी अगर पहेली बी से सी पर चली जाती है तो इस परिस्थिति में भी प्रतिबिंब की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार अब हम प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। ए पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। बी पॉइंट में लिखेंगे, हाँ स्थिति बी से पहले इस प्रतिबिंब को देख सकती है। सी में लिखेंगे, हाँ स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकती है। और डी का उत्तर लिखेंगे, ए का प्रतिबिंब उसी स्थान पर रहेगा। प्रतिबिंब का स्थान तभी बदलेगा जब वस्तु या दर्पण का स्थान बदले। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों को हमने समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।